नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे तकरीबन 1200 चेंजेस के साथ में लॉन्च हुई फोर्ड की फिगो ब्लू के बारे में। बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है और गिनी चुनी गाड़ियां हैं दोस्तों जो इस सेगमेंट में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। मारुति की तरफ से स्विफ्ट और ह्यूंडई की तरफ से ग्रैंड आई10, यही तीन गाड़ियां हैं जो मेजरली इस सेगमेंट में अपने एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन रखती हैं। फिगो के बारे में और उसकी अच्छाइयों के बारे में कई सारे वीडियोज आप अब तक ऑलरेडी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर और यूट्यूब पर देख चुके होंगे। इस वीडियो में मैं किसी भी तरीके से इस गाड़ी के फीचर्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, रिव्यू, इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करूंगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली फोकस करने की कोशिश करूंगा उन सारी ग्राउंड रियलिटीज़ पर और उन सारे फैक्टर्स पर जिनको आपको ये गाड़ी लेने से एक बार पहले सोचना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। इस वीडियो में मैं किसी भी तरीके से आपको नहीं बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। बस एक गुजारिश है, ये सारे फैक्टर्स एक बार कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। तीनों गाड़ियाँ अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा दोस्तों वो सारे प्राइसेस एक्स शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तीनों कंपनियों की अपनी अपनी कुछ प्लस पॉइंट्स है जिनकी वजह से उनकी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में और मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। स्विफ्ट हमेशा से इस सेगमेंट को लीड करते आई है और टॉप 10 में भी हमेशा शामिल होती है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है इस सेगमेंट में। जब से 2018 ऑटो एक्सपो में स्विफ्ट का न्यू जनरेशन आया है तब से स्विफ्ट की गाड़ी का जो वज़न है वो काफ़ी कम होने की वजह से इसके परफॉर्मेंस में और स्विफ्ट की फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया है। इंजन में एक पेपिनेस और भी ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से ये गाड़ी सेगमेंट को लीड करती है और बहुत ही अच्छे यूनिट्स में, नंबर्स में बिकती है। उसी के साथ में आपको गाड़ी में मिल जाता है मारुति का विश्वास, मारुति का ठप्पा, गाड़ी का लो मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट की जो प्राइसेस है वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और मारुति का वाइडेस्ट सर्विस नेटवर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें ह्यूंडई की तो ह्यूंडई की ग्रैंड आई10 में आपको राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही शानदार मिलेगी। बटरी मक्खन की तरह एक कंफर्टेबल एहसास आपको हमेशा मिलेगा। उनकी गाड़ी के इंटीरियर की क्वालिटी हमेशा बहुत ही अच्छी होती है। गाड़ी के फिट एंड फिनिश भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर किसी भी चीप मटेरियल का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक कि आप ईऑन की भी अगर बात कर ले तो उसके भी इंटीरियर्स आपको बेहद ही खूबसूरत और अच्छे मिलेंगे। फिट एंड फिनिश हमेशा आपको अच्छी मिलेगी। उसी के साथ में आपको ह्यूंडई का नेटवर्क मिल जाता है और ह्यूंडई का विश्वास मिल जाता है। ह्यूंडई इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने और मार्केट में इकलौती ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि मारुति के साथ में उसके बाद सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनी है। इतना विश्वास वो इस मार्केट में अपने लिए बना पाई है। वहीं पर फोर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों तो बेस्ट सेफ्टी फीचर्स के साथ में आती है जैसे कि 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स 6 एयरबैग के साथ में आपको फिगो में मिल जाएंगे। बेहतर राइड एंड हैंडलिंग मिल जाएगी, ड्रैगन सीरीज़ के बेहतर इंजन आपको मिल जाएंगे, ऑन रोड स्टेबिलिटी बेहतर मिल जाएगी, बिल्ड क्वालिटी बेहतर मिल जाएगी और फोर्ड का विश्वास और ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी अच्छा सर्विस नेटवर्क आपको फोर्ड में भी मिल जाएगा। आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आपको आपके रिक्वायरमेंट पर इन गाड़ियों को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि सबकी खूबियाँ अलग अलग है और उनकी वजह से ये गाड़ी अपना स्टैंड, अपनी पोजिशन बनाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्राइस फैक्टर के बारे में। जहाँ तक प्राइस की बात है, फोर्ड ने फिगो को लॉन्च किया है 5,15,000 रुपये में पेट्रोल से शुरू होती है और डीजल की बात करें तो 5,95,000 से स्टार्ट होती है। ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको टॉप एंड में यानी कि टिटेनियम ब्लू में नहीं मिलेगा, वो सेकेंड टॉप में मिलेगा और इसकी कीमत है 8,09,000 रुपीज़। 1.5 लीटर पेट्रोल में ही ये आपको आएगा, 1.2 लीटर में ये आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर कॉम्पिटिशन में आपको कई सारे अलग अलग वेरियंट्स के साथ में ऑटोमेटिक के ऑप्शन स्विफ्ट भी दे देती है और
ग्रैंड आई टेन भी दे देती है, लेकिन फिगो में सिर्फ एक ही ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा पेट्रोल में, और वो भी सिर्फ एक ही वेरिएंट के साथ में मिलेगा। अब जानते हैं उन फैक्टर्स पर और उन कमियों पर जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, इस गाड़ी में आपको किसी भी तरीके से एलईडी डीआरएल्स नहीं मिलते हैं, ना ही एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स या फिर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। 2015 से ये गाड़ी मार्केट में है और कंपटीशन ये सारी चीज़ें ऑफर करता है, लेकिन फिर भी आज तक 2019 तक फिगो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। आगे मुड़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है दोस्तों रियर के जो डोर्स हैं, वो दोनों डोर्स में आपको किसी भी तरीके का स्टोरेज स्पेस नहीं मिलता है, ना ही बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि पीछे की तरफ रियर सीट पर अगर मिडल पैसेंजर बैठता है तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो हम्प है, वो हम्प की हाइट थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से उसे बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है। मुझे लगता है फोर्ड को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था, और उस हम्प को थोड़ी अगर उसकी हाइट फोर्ड कम कर सकता तो एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो पाता। गाड़ी में बेसिक से बेसिक फीचर्स जैसे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स जो इससे नीचे वाले सेगमेंट की गाड़ियां भी आपको ऑफर करती हैं, वो फीचर्स आपको फोर्ड के फिगो में नहीं मिलेंगी। और आपको गाड़ी में छठा पॉइंट है, रियर एसी वेंट्स नहीं आएंगे। हालांकि फोर्ड का एयर कंडीशनिंग यूनिट हमेशा अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर माना जाता है और गाड़ी को बहुत ही बेहतर तरीके से कूल करता है, एसी से कभी भी फोर्ड में दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन हर एक कंपनी इस चीज़ को फीचर के तौर पर मार्केट करती है, जिसके चलते लोगों का एक माइंडसेट बन गया है और लोग हमेशा रियर एसी इवेंट्स देखना चाहते हैं, और फिगो में आपको ये नहीं मिलेंगे। फिगो का जो ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोस्तों, वो अभी भी मुझे थोड़ा आउटडेटेड लगता है। जिस साल में ये गाड़ी एंटर कर रही है 2019 में, उस तरीके से उस साल के हिसाब से ये मुझे बिल्कुल भी अप मार्केट और मॉडर्निज नहीं लगता है। मेरे पास में 2011 की फोर्ड फिएस्टा क्लासिक है, तकरीबन दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे आज भी सेम नज़र आता है। अगली और आठवीं कमी है दोस्तों, इस गाड़ी में 2015 से इंडियन मार्केट में एंट्री की है, लेकिन तब से लेकर अब तक इस गाड़ी के एक्सटीरियर में यानी कि डिज़ाइन में कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़ास स्टाइलिश चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसका डिज़ाइन आज भी वैसे का वैसा ही है, जबकि कंपटीशन अपने डिज़ाइन को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर चुका है और अपमार्केट कर चुका है। तो ये एक जगह थी जहाँ पर फोर्ड को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था और डिज़ाइन में कुछ अच्छे एलिमेंट्स और बदलाव किए जाने चाहिए थे। हालांकि एक्सटीरियर में कुछ एक चेंजेस फोर्ड की तरफ से डेफिनेटली किए गए हैं, लेकिन फिर भी डिज़ाइन का जो शेप साइज़ है वो तकरीबन 2015 से लेके अब तक जैसे के वैसा ही है। नौवा पॉइंट है दोस्तों इस गाड़ी के इंटीरियर्स। इस गाड़ी के इंटीरियर्स जो है मुझे आज भी थोड़े आउटडेटेड लगते हैं और ये उतने अपमार्केट नहीं लगते जितना कॉम्पिटिशन आपको ऑफर करता है। मुझे लगता है उसमें भी थोड़ा चेंज किया जाना चाहिए था और उनको थोड़ा मॉडर्नाइज और अप मार्केट बनाया जा सकता था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फ्यूल इफिशियंसी। पेट्रोल के मामले में अगर आप इसे कंसिडर करें तो ये कंपटीशन से थोड़ा पीछे रह जाती है और फ्यूल इफिशियंसी आपको काफ़ी कम मिलेगी। वहीं डीजल की अगर आप बात करें तो इसका डीजल इंजन आपको बहुत ही बेहतरीन फ्यूल इफिशियंसी ऑफर करता है। अब मुड़ते हैं दसवें पॉइंट की तरफ दोस्तों, ऑटोमेटिक आपको 1.5 लीटर सेकेंड टॉप मॉडल में यानी कि वेरिएंट में ही मिलेगा, लेकिन उसमें एक दिक्कत है दोस्तों। 8,09,000 रुपये देने के बावजूद भी सिंस इट्स अ सेकेंड टॉप वेरिएंट, आपको इसमें 6 एयरबैग्स नहीं मिलेंगे। वहीं टॉप एंड में यानी कि टिटेनियम ब्लू में आपको ऑटोमेटिक नहीं आएगा, लेकिन 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल लॉन्च असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर 6 एयरबैग भी जोड़ दिए जाते तो बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन ये बन सकता था। तकरीबन टॉप एंड मॉडल से 1,00,000 रुपये आप यहाँ पर ज़्यादा दे रहे हैं ऑटोमेटिक यूनिट के लिए, तो मुझे लगता है 6 एयरबैग का होना तो बनता है बॉस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमी मुझे यहाँ पर लगती है। और आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है दोस्तों प्राइस फैक्टर, जो किसी भी गाड़ी को सेगमेंट में अपनी पोजिशन बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। मुझे लगता है जो फिगो की प्राइसिंग अनाउंस हुई है उसे कंपटीशन से तकरीबन 30,000 से लेकर 40,000 रुपये सस्ता होना चाहिए था। अगर हम इसे कंपेयर करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से, तो फिगो का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि 8,09,000 में आता है, वहीं पर
मारुति का अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखें यानी कि एजीएस सिस्टम देखें ऑटो गियर शिफ्ट, तो वो फीगो की पेट्रोल वेरिएंट से 24,000 सस्ता आता है और डीजल एजीएस आपको 5,000 सस्ता मिलेगा। वहीं पर अगर आप ग्रैंड आई10 की बात करें तो ग्रैंड आई10 का जो टॉप मोस्ट ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है स्पोर्ट्स में पेट्रोल में, ये आपको 96,000 रुपीज फोर से सस्ता मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ है जिसे आपको कंसिडर करना चाहिए दोस्तों कि फीगो में आपको मोस्ट पावरफुल इंजन मिलेगा। 1.2 लीटर की बात करें तो 96 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है और ऑटोमेटिक की अगर आप बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसी के चलते इस गाड़ी की प्राइसिंग कंपटीशन से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। स्विफ्ट के प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो पेट्रोल में यह स्टार्ट हो जाती है 4,99,000 से, जो कि अगेन फीगो से सस्ती है। डीजल में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और डीजल स्टार्ट हो जाता है 5,99,000 से, 4,000 से 5,000 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस है। वहीं पर अगर हम ग्रैंड आई10 की बात करें तो 4,97,000 में पेट्रोल से स्टार्ट होती है और डीजल स्टार्ट होता है 6,17,000 से, जो थोड़ा सा फीगो के मुकाबले में महंगा हो जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक की जहां तक बात करें तो मैं अभी आपको प्राइस डिफरेंस बता चुका हूं और इसी के चलते अगर फीगो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन के रूप में उभरना चाहती है और सेगमेंट में अपनी पोजिशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती है तो उसे 30,000 से 40,000 रुपये और सस्ता होना चाहिए था। अब बात करते हैं दोस्तों अपने कंक्लूजन की तरफ मुड़ने के लिए कि हमें इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए या नहीं, हमें ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं। तो जहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि अगर आपको गाड़ी के वज़न का कम होना, उसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी बेहतर ना होना, ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पेपी इंजन मिले, परफॉर्मिंग इंजन मिले और आपको बहुत ही बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी मिले, तो आप स्विफ्ट के साथ में ज़रूर जा सकते हैं, जिसमें आपको मारुति का ठप्पा आ जाएगा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, आपको मारुति का सर्विस नेटवर्क मिल जाएगा। इसके लिए आप स्विफ्ट को ज़रूर चुन सकते हैं। वहीं पर अगर आपको राइड एंड हैंडलिंग थोड़ी बेहतर चाहिए, इंटीरियर्स की क्वालिटी बेहतर चाहिए, मेंटेनेंस भी ठीक ठाक चाहिए और ह्यूंडई का सर्विस नेटवर्क चाहिए, तो आप ग्रैंड आई10 के साथ में ज़रूर जा सकते हैं। एक बटरी राइड आपको मिलेगी, हमेशा एक अच्छा कंफर्ट आपको ये गाड़ियाँ महसूस करवाएंगी, जिनके लिए आप ह्यूंडई को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सेफ्टी सबसे ज़्यादा आप अपने आप को, अपनी फैमिली के सेफ्टी को तवज्जो देते हैं और उसे अगर आप एक टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पर रखते हो, तो आपको डेफिनेटली फीगो के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेंगे, वाइडर टायर्स मिलेंगे आपको दोस्तों, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, बेहतर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी, बेहतर ऑन रोड स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको मेटल शीट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी, एयर कंडीशनिंग यूनिट की कूलिंग बहुत ही बेहतर मिलेगी और गाड़ी के साथ में आपको फोर्ड का विश्वास, ज़रूरत के हिसाब से सर्विस नेटवर्क और 5 साल की वारंटी मिलेगी। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन 3 गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी चुनते हैं, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये गाड़ी अपनी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। अगर सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो फीगो यहाँ पर पिछड़ जाती है, लेकिन रिफाइनमेंट की बात करें, राइड एंड हैंडलिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये बाजी मार ले जाती है। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या और किस चीज़ को तवज्जो देना है और अपनी फैमिली के लिए क्या चूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हमेशा की तरह दोस्तों, जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपने और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।